Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम टू testbook.com। आप सभी लोगों का इस धुआंधार इस क्लास में स्वागत है। धुआं भी है और धार भी है, मतलब धुआं का मतलब है जब क्लास में जाओगे तो धुआं उड़ा दोगे, और धारदार है क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं शाम की 5 बजे की क्लास। तो धुआंधार क्लास शाम की 5 बजे क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पेज नंबर 40 से लेकर के पेज नंबर 45 तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 40 तक हो गया था, मतलब 41 से आगे 40 से आगे की तरफ जाएंगे। जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि कितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है अपने दोस्तों, सहेलियों, मित्रों, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, कितने लोगों ने शेयर किया है वो वीडियो को। जल्दी से क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और जो लाइक कर चुके हैं वो थम्सअप बना के भेजेंगे कि सर हम अपना काम कर चुके हैं, हमने अपनी जो है वो गुरु दक्षिणा दे दी है, अब आप जो है वो बस हमको 100 क्वेश्चन लगाइए हमारे साथ बैठ करके। मिडिल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ पर अर्चना, प्रवीण, जो लोग यहाँ पर बताते जा रहे हैं उनका नाम हम लेते आएंगे, प्रीति, उसके बाद से निखिल ने जो है वो गुड इवनिंग बोला हुआ है, मोहनी, प्रियंका, विराज बोले सर पापा मम्मी भाई बहने सबको कर दिया। हाँ, नुकसान नहीं करेगी, वो लोग भी पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, मम्मी पापा लोग, दीदी जीजा के साथ भी कर दो, भैया भाभी के साथ भी कर दो कि भैया 1 घंटा पढ़ लो, लड़ाई झगड़ा नहीं तो करते रहते हो, देखो कितनी ज्ञान की बातें सर बताते हैं। ठीक है, एज ऑफ एटीट्यूड तेजस, और उसके बाद से सागर, दैट वाज द सहेली, देखो हमारे साथ जुड़ी हुई सहेली, उसके बाद से कंचन प्रिया, संदीप, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जो है वो शेयर कर दिया है। और 1 घंटा हम लोग पूरे इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। जो लोग, कई लोग सोच रहे होंगे हमारा SSC का एग्जाम है, कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारा जो है वो रेलवे का एग्जाम है, कई लोग सोच रहे होंगे यूपी पुलिस का है, कई लोग बोले जो बिहार पुलिस का है, कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारा जो है वो फलाना का है, ढिमाका का है, कई लोग कौन बनेगा करोड़पति में जो तैयारी करने जा रहे हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में KBC में, वो भी क्लास अटेंड करे, वो भी जाके इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे भी मिलेंगे। तो मल्टीपल जगह पर अपने नॉलेज को बढ़ाने वाली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लेकर के पेज नंबर 41 का नाम। तो पहला पेज नंबर 41 का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। पहले तो इसको धुआंधार तरीके से जूम किया जाए। तो ये हो गया हमारा जूम, और ये हो गया जूम के बाद क्वेश्चन को ऊपर की तरफ। प्रश्न पूछ रहा है 203वां। पहले आप लोग बताइए कि सर सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जूम की मात्रा को और बढ़ाया जाए, जल्दी से बताइए जूम की मात्रा को और बढ़ाया जाए कि, हाँ विराज बोले थोड़ा और जूम किया जाए, झूम बराबर झूम सराबी है ना, थोड़ा सा कम कर देते, 1 पॉइंट कम करते, चलो ये परफेक्ट है मुझे लग रहा है, सही है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी को खुद लिखा हुआ है, मतलब खुद लिख दिए है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, शाह आलम, फरुखर सयार, बाबर या जहांगीर, जहांगीर, शाह आलम, अकबर और औरंगजेब। अरे भैया किसने अपनी जो है वो आत्मकहानी को लिख दी है, जरा यहाँ पर बताइए आप सभी लोग क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, हमारा वीडियो में कमेंट जल्दी से सब कुछ दिखते रहे। यहाँ पर जनता बोली है सर बाबर नामा और हमारे कौन से जहांगीर के द्वारा, चलिए ठीक है, अब मुझे कमेंट सबके बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ जनता बोले सर होना चाहिए 2 नंबर बाबर और जहांगीर, मतलब 2 नंबर बिल्कुल सही है, इन्हीं दोनों ने लिखी हुई है, तुझके बाबरी और हमारे जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी हुई थी। आगे की तरफ चलते हैं, आपको इन डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जिसका मतलब जो पहले आई है उसको लिखिए और जो बाद में आई है उसको बाद में। थोड़ा और जूम करें, प्रियंका बोले 1 पॉइंट और जूम करें क्या, थोड़ा सा जूम बढ़ाइए, गुप्ता जी बोल रहे हैं, लो भैया गुप्ता जी और जूम बढ़ाना है तो बोल देना। 204 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, गुड़ खाद तसला में सबसे पहले गुलाम, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, डी से शुरुआत इन दोनों में हो रही है, खा के बाद आता है खिलजी डेंसिटी, तो यहाँ पर भी ए है, उसके बाद से आता है गुड़ खा त, त का मतलब है तुगलक डेंसिटी, तो यहाँ पर तुगलक बी आना चाहिए, मतलब 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 नंबर आगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा जूम अच्छा नहीं लगेगा, आगे चलते हैं। 202 वाला क्वेश्चन बोला, इनमें से किसको पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद बोलते हैं, पैरट ऑफ इंडिया है हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बाबरक शाह या नानक जी, पैरट ऑफ इंडिया जिन्होंने
तबला की खोज की, जिन्होंने जो है वो सितार की खोज की, कौन थे जिनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया 8 लगातार सुल्तानों के शासनकाल में थे, अमीर खुसरो। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, दौलताबाद जो है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट किया था, है ना, दिल्ली से। इसका कहां कर किस कहां पर ये देखने को मिलेगा, मैसूर में, औरंगाबाद में, निजामाबाद में या भोपाल में? दौलताबाद किसके नजदीक में आपको दिखाई देगा? यहाँ पे जनता का जवाब आ रहा है कि सर होना चाहिए औरंगाबाद। तो जितने लोग औरंगाबाद बोले, महाराष्ट्र में बिल्कुल उससे लगा हुआ है, औरंगाबाद के बीच में ही पड़ता है औरंगाबाद और दौलताबाद। यहाँ पर पूछा गया है पहले मुगल बादशाह कौन थे, पहले मुगल बादशाह थे शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर, जिसने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी 1526 में। तो जनता बोले सर 207 नंबर का सही जवाब है बाबर। भैया 207 से 307 तक आज जाना है। नेम द इंडियन किंग, यहाँ पर 208 नंबर वाला प्रश्न पूछ रहा है, नेम द इंडियन किंग हू वर्मली रिसीव द पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा व्हेन ही लैंडेड द कालीकट। हमारे कालीकट के उस समय के राजा का नाम क्या था जब हमारे देश में वास्को डी गामा साहब ने कदम रखा? मुझे मालूम है कि जनता को इसका जवाब नहीं पता है, देखते कितने लोगों को पता है। तो गाइज हमारे जब रखा था कदम कालीकट पे, तो उस समय जो राजा था उनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं, क्योंकि यही पर होना चाहिए बिल्कुल सही जवाब, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अरे चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए था पोर्तुगीज जब ट्रेवलर आया था, तो जेमोरिन जो है वो उस समय कालीकट का राजा था। और ये कब आया था हमारे देश में, 17 मई 1498 में, 17 मई 1498 में आया था। तो सही जवाब क्या होना था, जेमोरिन इज राइट आंसर। तो 1498 में जेमोरिन यहाँ का राजा था। आगे तक चलते हैं, आपको बताना है सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था, सेवियर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनासुल सियाज, इल्तुतमिश या हमारे घियासुद्दीन बलबन, क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब? हाँ 1498 में, और उस समय जो है वो हमारे हिंदुस्तान में जेहोरिन जो है वो कालीकट का राजा हुआ करता था। चलिए तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे इसका सही जवाब है 309 का, जहीरुद्दीन बलबन इज घियासुद्दीन बलबन इज राइट आंसर। सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत जो है वो यही थे, नहीं तो ये किसके, मंगोलों के हाथ में चली जाती। आगे की तरफ चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको बताना है श्री परमदूर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, श्री परमदूर जो है वो किसका बर्थ प्लेस था, माधवाचार्य, दैट वाज द भासवर्मा, शंकराचार्य या रामानुजमाचार्य, ये सभी के सभी भक्ति आंदोलन को चलाने वाले थे। आपको बताना है श्री परमदूर जो तमिलनाडु में है ये किसका जो है हमारा बर्थ प्लेस था। तो गाइस यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए क्या, तो गाइज यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए हमारा, हाँ बिल्कुल रामानुजमाचार्य, जितने लोग बोल रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 210 का सही जवाब है 4 नंबर। श्री परमदबदूर का नाम हमने सुना था, जब आपने राजीव गांधी का नाम सुना होगा, राजीव गांधी जी को यहीं पर उड़ाया गया था, यहीं पर उनकी हत्या की गई थी, बम से उड़ा दिया था। तो ये जगह का नाम किससे, हमारे रामानुजमाचार्य की बर्थ प्लेस है। आपको बताना है कि हु वॉज द दिल्ली सल्तनत हु इम्पोज द जजिया टैक्स, जजिया टैक्स लगाने वाले कौन थे हमारे दिल्ली सल्तनत पे, अलाल, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो भैया यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, ब्राह्मण के ऊपर लगाने वाला जो टैक्स था इसको फिरोज शाह तुगलक जो है वो लगाते थे। तो 211 का सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा इन्होंने खम्स और जकात टैक्स भी लगाए थे। सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर, अकबर की दूसरी कैपिटल क्या थी, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या पटना? तो गाइस कल हम लोगों ने देखा था आगरा की विजय के बाद हमारे जो अकबर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फतेहपुर सीकरी को बनवाया था और उसके बाद से वही उनकी कैपिटल, दूसरी कैपिटल हो गई थी आगरा के बाद। चलिए अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर प्रश्न आपको बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है, दैट वॉज द प्रताप रुद्रा, दैट वॉज द अनंत वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिम्हा वर्मन सेकेंड? गाइस काफी कंफ्यूजन यहाँ पर लोगों को दिखाई देता है इस क्वेश्चन को लेकर के। गंगा डायनेस्टी के राजा थे, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, 13वीं शताब्दी में ये बना और 1250 के आसपास 13वीं शताब्दी आ जाएगी और इसको बनवाने वाले जो राजा थे वो नरसिंह वर्मन, नरसिम्हदेव फर्स्ट की तरफ जाएंगे, नरसिम्हदेव फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नरसिम्हदेव सिर्फ, वर्मन नहीं लगाना है, ये गंगा डायनेस्टी के थे। आगे की तरफ चलते हैं,
जहांगीर की जो मकबरा है वो कहां पर देखने को मिलेगा, गुजरात में है, दिल्ली में है, लाहौर में है या आगरा में है, जहांगीर का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा। तुझके जहांगीरी लिख करके अपनी आत्मकथा पहले लिख चुके थे। यहां पर जनता बोल रही है सर अगर यहाँ पर, हाँ सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लाहौर जितने लोग बोल रहे हैं, लगदी लाहौर दिया एक गाना भी है, सबसे ज्यादा लोगों ने उसको देखा हुआ है, गुरु रंधावा का सॉन्ग, वहीं पर इनका जो है मकबरा है। आगे जब चलते हैं, नूर जहां का ओरिजिनल नेम क्या था, नूर जहां का ओरिजिनल नेम जहबरुन्निसा था, फातिमा बेगम था, मेहरुन्निसा था या जहां नरा था, क्या होना चाहिए? तो गाइज यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए, हम लोग मेहरुन्निसा की अगर बात करते हैं तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो आप सभी को पता है इनका ओरिजिनल नेम था हमारे मेहरुन्निसा, नूर जहां और ये दोनों एक ही थी। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, शायद आप लोग देख सकते हो कितनी बार प्रश्न पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, मेहरुन्निसा नूर जहां को बोला जाता था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आपको बताना है अकबर जो है का जो सामूहिक जहां पर लोग जाकर के धार्मिक सभाएं करते थे वो कौन सा था, जोधाबाई का पैलेस, पंचमहल, इबादत खाना या हमारा बुलंद दरवाजा। इबादत में सिर झुकता है और वही होता है 1500 हमारे 82 के आसपास, इसको बंद भी कर दिया गया था, बाद में खोला गया हमारा 1575 में, इबादत खाना इज राइट आंसर, इबादत करते थे लोग यहाँ पे जाके, एकदम सही जवाब है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन 2014 में। आगे की तरफ लेके चलते हैं, 217वें नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आपको बताना है गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु कौन थे, हु वॉज द सेकेंड गुरु ऑफ गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जन दास या गुरु हरगोबिंद। जनता क्या जवाब देने वाली है, देखना है 217 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो भैया 10 गुरु हुए हैं और अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे गुरु नानक साहब पहले हुए हैं और इनकी आत्मकथा को लिखा हुआ या इनकी कथा को गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखा हुआ है हमारे गुरु अंगद देव ने, जो कि दूसरे गुरु हुए हैं, दैट वॉज द गुरु अंगद देव, याद रखिएगा। ऐसे 10 गुरु हुए हैं, आपको ये याद रखना है। आगे की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, आपको बताना है, हाँ पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव हुए हैं जिनको जहांगीर ने मारा था, और नौवें गुरु तेग बहादुर हुए हैं जिनको हमारे औरंगजेब ने मारा था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट और हो गए। हु वॉज द दिल्ली सल्तनत डाई बाई प्लेइंग चौगान, घोड़े से गिर गए और मर गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब है, इल्तुतमिश है, बलबन है, जलाल है। भैया 2013 के जीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या होना चाहिए, लाहौर में उनका मकबरा है, ऐबक की तरफ जनता जा रही है, बिल्कुल सही है। आपको बताना है सबसे ज्यादा पावरफुल पेशवा जिन्होंने द्वितीय मराठा एम्पायर की स्थापना की थी, बालाजी बाजीराव है, बाजीराव है, माधवराव है या बालाजी विश्वनाथ है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए, है ना, शेर की बाज की नजर, चीते की रफ्तार और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए 2 नंबर, और पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। आगे कर चलते हैं, शेरशाहसूरी जो है उसने गौर के, शेरशाहसूरी डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर द गौर इन बैटल ऑफ, कौन से युद्ध में हिंदुस्तान के तख्तों पर कब्जा किया था, घाघरा, चौसा, पानीपत या खानवा। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भैया। 1539 में हराया था इन्होंने, ठीक है, और कब्जा कर लिया था 1540 में पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, वो था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चलिए 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब है, चौसा का युद्ध। आगे की तरफ चलते हैं, व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन, दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो कब शुरू हुआ था, 1106 में, 1206 में, 1306 में, 1406 में। सही जवाब आपको बताना है यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जनता बोली है 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की गई थी, है ना, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, बहुत बढ़िया। आपको बताना है लेदर करेंसी जो है वो किसने शुरू किया था। आप लोग जो है अपने गलत क्वेश्चन को भी लिखते जाइएगा, आज से आप लोगों को अपने गलत क्वेश्चन भी बताने हैं, कितने गलत हुए लास्ट में या कितने आपने छोड़े। लेदर करेंसी जो है वो किसने शुरू की थी, तो भैया लेदर करेंसी या टोकन करेंसी की बात आएगी तो हमारे तुगलक साहब जी का नाम लिख दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इज राइट आंसर, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला भी इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। आपको बताना है व्हेन वाज द दिल्ली सल्तनत इंडेड, स्टार्टेड भी आपने बता दिया, इंडेड भी बता दो, 1458, 1526, 65 में हुई थी या 1600 में थी, सही जवाब बताना है आपको। जनता बोली सर इसका सही जवाब होना चाहिए, जब हमारे यहाँ पर मुगल साम्राज्य आया, दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया था, सही जवाब क्या होना चाहिए, तो सही जवाब होना चाहिए पानीपत का पहला युद्ध हमारा ऑप्शन नंबर 2 1526 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 2 नंबर बहुत सही हो रहे हैं। तुलसीदास रोड द रामचरित मानस इन द रीजन ऑफ, हमारे किसके रिगिन में, हमारे तुलसीदास ने रामायण को लिखा हुआ है, जनता क्या जानती है इसके बारे में। जनता बोली है सर तुलसीदास ने रामायण को जो है
वो अकबर के शासनकाल के समय में लिखा हुआ था। जितने लोग अकबर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अकबर के समय में लिखा हुआ था। 1556 से अकबर का शासनकाल शुरू हुआ था और उसी समय हमारी रामचरितमानस लिखी गई थी, अकबर का शासनकाल। आगे की तरफ पढ़ते हैं और जनता यहाँ पर क्या जवाब देने वाली है। 200 मतलब हमारे पेज नंबर जो 41 है, आपको बताना है जो सिखों की हमारी होली बुक है वो कौन सी है, सिखों की पवित्र किताब कौन सी है। दैट वॉज द भगवद गीता, बानी लैंग्वेज है, दैट गुरुमुखी है या हमारी गुरु ग्रंथ साहब है। सभी को दिख रहा है ना अच्छे से, कोई ऐसा जिसको दिख ना रहा हो वो एक बार बोल देगा। तो गाइज यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, लिपि गुरुमुखी है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब है गुरु ग्रंथ साहब। पंजाबी लैंग्वेज जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नॉट बिल्ड बाई अकबर, अकबर ने कौन सा किला नहीं बनवाया। ग्वालियर का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला या अलाहाबाद का किला, क्या होना चाहिए जनता सही जवाब। यहाँ पे जनता 226 का सही जवाब बोल रही है, सर ग्वालियर का किला जो है वो हमारे मान सिंह तोमर ने बनवाया था। तो यहाँ पर ग्वालियर सिंधियों का जगह है, तो यहाँ पर ग्वालियर का किला नहीं होना चाहिए, बाकी का सब इन्होंने ठुकवाया था। ठीक है, चाहे वो आगरा का हो, लाहौर का हो, चाहे हमारी इलाहाबाद का हो, सब यही ठुकवाए थे। आगे की तरफ चलते, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम आगरा से दिल्ली, दिल्ली से आगरा में कैपिटल कौन लेकर के गए और लाल किले में जाकर के इस कैपिटल अपनी जो है वो सभा लगवाते थे, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह जफर। तो हमारे सामने इसका जवाब आएगा तो हम देंगे शाहजहां इज राइट आंसर। जितने लोग शाहजहां बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे एक तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताजमहल जो है वो किसने बनवाया था, जहांगीर ने, शाहजहां ने, शेर शाह ने या नादिर शाह ने, सही जवाब बताना है आपको। जनता देखिए इतनी जल्दी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, खुद से भी करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर चीजों को पिक करते तो आप अच्छे से यहाँ पर सीख सकते हैं। जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए ताजमहल को बनवाया था आपके शाहजहां ने, लेकिन शेरशाह सूरी के ऊपर टिक कर है, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, ताजमहल को शेरशाह सूरी ने नहीं शाहजहां ने बनवाया था। मुल्तान वॉज नेम्ड बाय द अरब एज, मुल्तान का जो है वो क्यों नाम रखा गया, मुल्तान सिटी ऑफ ब्यूटी है, सिटी ऑफ वेल्थ है, सिटी ऑफ गोल्ड है या पिंक सिटी है। मुल्तान का सुल्तान तो वीरेंद्र सहवाग है, इतना तो हमको पता है ना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो भैया एक हमारे अरेबिक बुक में मुल्तान का मतलब बताया गया है क्या, तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए सिटी ऑफ गोल्ड। मुल्तान का मतलब होता है जो गोल्ड से चीजें निकल के आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं, गोल्ड इज राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं, सिटी ऑफ गोल्ड है ये। आगे की तरफ आपसे पूछा था बीजापुर इज नोन एज, बीजापुर को क्यों याद किया जाता है, सीवियर ड्रॉट कंडीशन, गोल गुंबज के लिए, हैवी रेनफॉल के लिए या स्टेचू ऑफ गुमतेश्वरा, किसके लिए आप इसको याद करेंगे गोल गुंबज को। भैया गोल गुंबज सबसे पहले तो बीजापुर में है, अगर मैंने आपको बताया कि ये मोहम्मद आदिल शाह जो है उसकी यहाँ पर मकबरा है, इसको यासुफ आदिल शाह ने बनवाया है, इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था याकूत के दाबुल के याकूत, इनके आर्किटेक्ट थे और ये फेमस है गोल गुंबज के लिए बीजापुर। आगे तब चलते हैं, 2 नंबर बिल्कुल सही है। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ट्राइड टू प्रोवाइड द सती, सती सिस्टम के ऊपर कौन रोक लगाना चाहता था, उसको लगा कि बहुत खराब सिस्टम है, अलाल था, मोहम्मद बिन तुगलक था, जलाल था या फिरोज शाह तुगलक था, गाइस क्या होना चाहिए सही जवाब। तो गाइस अगर हम लोग देखेंगे तो अलाल तो नहीं होना चाहिए, इसने तो बोलेंगे इसकी वजह से सती सिस्टम और तेजी से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था भैया ये सिस्टम बहुत खराब है इसके ऊपर रोक लगाया जाए, दैट वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अभी आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर बैन द म्यूजिक एंड डांसिंग, भैया नाच गाना बंद करो, बाबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर, क्या होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए, औरंगजेब ने जो है वो सारी चीजें तोड़ दी थी, औरंगजेब जो है वो म्यूजिक और डांसिंग के ऊपर विश्वास नहीं रखता था और ये रोक लगाना चाहता था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है। आपको बताना है कि तुलसीदास ने रामायण किसके शासनकाल में लिखी है, जवाब दे चुके हो अकबर, तो अकबर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, औरंगजेब जितने लोग बोले तो सही है। तो यहां पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द हुमायूं टॉम इन दिल्ली, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, मैंने नहीं बनवाया है, अकबर ने, बाबर ने, हाजी बेगम ने या हुमायूं खुद अपना मकबरा बनवा गए थे। तो गाइस यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, तो भैया ये देखिए क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, तो हुमायूं का मकबरा बाबर ने तो नहीं बनवाएंगे, अकबर ने भी नहीं बनवाया, हुमायूं खुद नहीं, तो हाजी बेगम इज द राइट आंसर, जितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे तब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने आ रहा है,
हाउ मेनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड द सूरत, सूरत को कितने बार शिवाजी ने लूटा, विदेशियों का पैसा लूट करके वो हमारे हिंदुस्तानियों की भलाई में लगा रहे थे, क्या होना चाहिए सही जवाब? पाटिल साहब है कि नहीं, आ गया शिवाजी? तो गाइस अगर हम देखेंगे तो 1664 से लेकर के 1670 तक हमारे जो शिवाजी हैं कितने दो बार सूरत को लूटे थे, पंडर मतलब लूटने का मतलब है विदेशियों का पैसा यहाँ से लेकर के जाते थे और अपनी आर्मी को वो स्ट्रांग बना रहे थे औरंगजेब के खिलाफ। तो यहाँ पर दो नंबर बिल्कुल सही है भैया, 236 और यहाँ पर 236 का भी सही जवाब है, दो नंबर। आगे की तरफ चलते, आपको बताना है हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर फाउंडर कौन थे, आपको बताना है लोधी वंश के फाउंडर कौन थे। तो भैया यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में आपको याद रखना है हमारे फाउंडर के नाम पूछ लेते हैं, तो हमारे दिल्ली वंश के लोधी डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर का नाम था बहलोल लोधी और अंतिम राजा का नाम था इब्राहिम लोधी। बढ़िया है, तीन नंबर जितने बोल रहे हैं एकदम सही है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है दीन इलाही धर्म जो है वो किसने चलाया था, दीन इलाही धर्म 1582 में चलाया गया था, यूनिवर्सल फेथ था और इसको मानने वाला एकमात्र राजा टोडरमल था, राजा बीरबल था, मान सिंह था या तानसेन था, तो एकमात्र राजा था अकबर का सबसे खास आदमी जिसको हम लोग बोलते हैं राजा बीरबल, महेश दास इनका असली नाम था, वो भी क्वेश्चन आएगा आगे आपको। आपको बताना है 239 का है फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ एम्पायर, कौन था जिसने अपनी जो है रेगुलर करेंसी चलाई और अपनी दिल्ली को कैपिटल बना लिया, ठीक है, जीतल इक्ता सिस्टम को भी इन्होंने चलाया था। तो गाइस यहां पे सही जवाब होना चाहिए क्या, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, ऐबक साहब की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, याद है ना, तो इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, एक नंबर बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु ऑफ द दिल्ली सल्तनत परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है ब्लड और आयरन की पॉलिसी किसने चलाई, अलाल ने, ग्यासुद्दीन तिलबर तुगलक ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने? भैया मारो और काटो, मंगोलों के खिलाफ ये पॉलिसी आई थी और ये जो है बलबन इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 240 का सही। और देखिए कांस्टेबल में प्रश्न आया हुआ जीडी के, तो जो लोग जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह सूरी लाइज इन हिज, हमने देखा कि हमारे शेरशाह सूरी जो है उनकी ग्रेटनेस, कल की क्लास में जो होंगे आज उनके लिए हलवा क्वेश्चन है ये, सेलुलर एटीट्यूड, सेकुलर एटीट्यूड, विक्टोरी अगेंस्ट हुमायूं, सुपीरियर ग्रेट लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कल की क्लास में जो होंगे उनके लिए हलवा क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आते हैं रेगुलर क्लास में। नेहा अर्चना सुबोध, इसके पहले बप्पा ने यहां पर जवाब दिया, मोहनी ने जवाब दिया है इसके पहले वाले क्वेश्चन का, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहां पे सही जवाब होना चाहिए प्रवीण, ऑप्शन नंबर 4, प्रशासनिक रिफॉर्म इनके बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया रोहित, ऐसे पढ़ते रहो, होगा होगा एकदम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है आपको बताना है हु वाज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, अकबर के समय में वित्त मंत्री कौन था, तानसेन था, टोडरमल था, राणा प्रताप थे या हुमायूं होने चाहिए, क्या होना चाहिए सौरभ इसका सही जवाब? भैया बने रहिएगा 100 क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ 100 क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर बने रहेंगे तो हम जरूर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोले सर आपका वीडियो दिख नहीं रहा है जो हमने लिंक शेयर किया हुआ है, तो अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको भी मैसेज कर दिया कि सर आपका वीडियो दिख नहीं रहा है, तो एक बार अपने अपने ग्रुप में जाओ, एक मिनट के अंदर सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि उन सभी लोगों को वीडियो प्रॉपर दिखाई दे जाए और वो हमारे तक जुड़ पाए, शायद गलत लिंक शेयर हो गया होगा हमसे, ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग जो है वो अपने अपने लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो एक बार हमने भी जो है ये सही लिंक को शेयर कर देते हैं। चलिए सभी लोग आई होप सो शेयर कर दिए होंगे, वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे जो सबसे फेमस मिनिस्टर थे उनका नाम था राजा टोडरमल, राजा टोडरमल इज द राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं, आगे हमारे पास आता है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर एबॉलिश द जजिया टैक्स, इनमें से कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने जजिया टैक्स को खात्मा किया था, 243 इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर दोस्तों ने शेयर करना शुरू कर दिया है अपने दोस्तों के साथ, जजिया टैक्स का खात्मा किसने किया, अभी आप लोगों ने बताया था फिरोज ने किया था, अभी आपको बताना है कि शुरू किया था फिरोज ने, खत्म किसने किया है, तो आप लोग बोल रहे हो सर खत्म किया है हमारे अकबर ने, मतलब ऑप्शन नंबर 3 अकबर जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। वापस से शुरू किसने किया था,
तो हम वापस से शुरू किया था औरंगजेब ने और खत्म किया था मुमसा रंगीला ने। बढ़िया है, आपको बताना इनमें से सबसे पुराना मॉन्यूमेंट कौन सा है, सबसे पुरानी ऐतिहासिक धरोहर कौन सी है, कुतुब मीनार है, खजुराहो का टेम्पल है, ताजमहल है, या क्या लग रहा है आपको, सभी आप बता सकते हैं जितने लोगों को लग रहा है ना। वीडियो को लाइक भी करते चला करो भैया, जब मौका मिले लाइक ठोक दिया करो अगर आपको पसंद आ रहा है ये सारी चीजें। जनता बोले सर अजंता केव जो है वो आपको इसका 244 का सही जवाब लग रहा है, तो यहाँ पर हाँ तो अजंता केव्स जो है वो सबसे पुरानी है, 480 AD के अराउंड जो है इसको बनाया गया था। ये हमारी 1193-94 के करीब निर्माण कार्य शुरू हुआ था। खजुराहो का टेम्पल भी ऐसे ही 12वीं शताब्दी में, ताजमहल भी हमारा 16वीं शताब्दी में जो बना था, तो ये सबसे पुराना अजंता केव। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है। हाँ अजंता केव मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब था। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पेशवा, पेशवा जो है उसकी सबसे पहले किसने शुरुआत की थी, रामचंद्र पंत ने, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव ने, या हमारे परशुराम जी ने। तो गाइस हमारे जो सबसे फेमस पेशवा थे वो जरूर बाजीराव थे, लेकिन हमारे जिसने शुरुआत की थी उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ के ऊपर टिक करेंगे। अंतिम पेशवा थे नाना साहब, जिनको हम लोग धंधु पंत के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पानीपत का, हाँ पानीपत का जो पहला युद्ध था कब लड़ा गया था, तो आपके लिए इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला युद्ध लड़ा गया था हमारा कब, तो 1526 में, हमने सभी को पता है, इजी क्वेश्चन था। आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं, पेज नंबर 43 की तरफ हमारा पूछ हो रहा है। पूछ का मतलब है हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आक्रमण की हमने 247 नंबर वाले क्वेश्चन पे, तो हमको मिलता है फर्स्ट विजयनगर एम्पायर जिसने हमारे गोवा का फोर्ट बनवाया था फॉर ब्राह्मण्स, ठीक है, हमारे ब्राह्मण्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फोर्ट बनवाया था जो गोवा में था। हु वाज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रिस्क द इंपॉर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फॉर द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की रक्षा के लिए ये फोर्ट बनवाया गया था। दैट वाज द रेवा राया सेकंड हरिहर, फर्स्ट हरिहर सेकंड या बुक्का फर्स्ट। तो गाइज यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य के उस व्यक्ति का नाम जिन्हें बनाया था, उनका नाम था हरिहर सेकंड, है ना। हरिहर और बुक्का फर्स्ट ने जो है वो स्थापना की थी, लेकिन गोवा के फोर्ट जो कि हाँ। आगे की तरफ चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, आपको बताना है अकबर इज द गार्ड, अकबर के गार्डियन का नाम क्या था। अकबर बहुत छोटी उम्र में 13 से 14 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा 1556 में, उसके गार्डियन की जरूरत थी, अमीर खुसरो था, फजल थे, तानसेन थे, या बैरम खान थे। सही जवाब बताना है क्या होना चाहिए। जनता बोली सर बैरम खान के ऊपर टिक करिए इनाम मिल जाएगा, तो बैरम खान इज द राइट आंसर। अभी आपको बताना है इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी पार्टिसिपेट, गांधी जी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, जब उनको जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इरविन ने कहा था भैया चले जाओ बड़ा फायदा होगा, है ना, गए वहां पर लेकिन उनको क्या हो गया, धोखा हो गया था। सही जवाब होना चाहिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी गए बेवकूफ बन के वापस आ गए थे। टोडरमल वॉज द ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ विच रूलर, टोडरमल जो है ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर सर्व अंदर किसके शासन काल में आया था, शेरशाह सूरी, भगवान दास, हुमायूं, या बाज बहादुर। सही जवाब क्या होना चाहिए, बोलोगे सर टोडरमल तो अकबर के शासनकाल में था, ऑप्शन में नहीं है अकबर, क्या जवाब देंगे। 250 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। गाइस अगर हम लोग देखेंगे तो टोडरमल जो है वो अकबर के शासनकाल में तो था, लेकिन उसके पहले वो किसके शासनकाल में था, वो हमारे शेर शाह सूरी के शासनकाल में भी था। गाइस यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए शेर शाह सूरी, और अकबर ने उसका अपने शासनकाल में ले लिया, तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए शेर शाह सूरी। ठीक है प्रियंका कोई बात नहीं, तो ये देखिए SSC CHSL में पूछा गया है उसके से, हाँ Who is called as the princess of Moniers? तो इनमें से किसको हम लोग princess of Moniers बोलते हैं, इब्राहिम लोदी, अकबर या बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो princess of Moniers जो कि कई सारी जो है टोकन करेंसी चलाए, और इनको हम लोग बोलते हैं चमड़े के सिक्के, टोकन करेंसी चलाए, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर टिक कर दो, यही ऐसे थे। तो एज ऑफ एटीट्यूड का बिल्कुल सही है, तेजस का भी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पे, और उसके पहले नेहा ने भी एकदम सही पिक किया हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाली है, महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले कौन थे, इबन बतूता, अबुल फजल, अकबर, या बदायूनी। महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था, रज्जनामा आप लोगों ने बताया था सर इसको बोलते हैं, इसको कन्वर्ट करने का जो श्रेय जाता है वो बदायूनी को जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ए हट ऑफ 2.5 days इन अजमेर इज बिल्ड बाई, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन खिलजी ने बनवाया था, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो गाइस यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए, चाहे वो कुतुल इस्लाम मस्जिद हो
या हमारा हो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बनवाया, गुलाम वंश के संस्थापक पहले राजा। आगे तो चलते 254 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, पुराना किला किस, कौन सा किला, पुराना किला जो है ये किसने बनवाया था, दैट वाज अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या बाबर, पुराना किला इज बिल्ड बाय हूम। यहाँ पे जनता बोले सर बहुत इजी क्वेश्चन है, पुराना किला जो है ये बनवाया था हमारे, बिल्कुल अफगान किंग जिनका नाम था शेरशाह सूरी, जितने लोग शेरशाह सूरी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया हुआ है, ये दिल्ली का सबसे पुराने किलों में एक है, अफगान राजा थे शेरशाह सूरी। आपको पता नहीं यादवों की कैपिटल क्या है, देवगिरी थी, बनारस थी, कांचीपुरम थी या किसानगिरी थी, तो गाइस यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, यादवों की, मैंने आपको कराया हुआ, देखते कितने लोग गलत जवाब देने वाले हैं। तो गाइज इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसको अभी हम लोग दौलताबाद के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में है और ये उस समय उनकी कैपिटल हुआ करती थी, दैट वाज द देवगिरी के नाम से हम इसको जानते हैं, यादवों की कैपिटल। अभी आपको बताना है पंडित पंडित राज जगन्नाथ वाज द पोएट लिटरेचर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग रूलर्स, पंडित जगन्नाथ जो है वो किसके समय में थे रूलर, पोएट थे किस रूलर के समय, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या हुमायूं। तो या पंडित जगन्नाथ का नाम जो है वो हम लोगों ने चंद्रकांता में सुना था ना, चंद्रकांता एक आता, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं। गाइस यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए हमारे जो मुगल शासक थे जिनका नाम शाहजहां था, उनके शासनकाल में पंडित राज जगन्नाथ थे जिन्होंने हमारे उनको एंटरटेन करते थे। आगे चलते हैं, अमीर खुसरो क्या थे, अमीर खुसरो एक पोएट थे, प्ले राइटर थे, पेंटर थे या आर्किटेक्ट थे, तो इनको हम लोग पैरट ऑफ इंडिया बोलते हैं, तोताए हिंद बोलते हैं, और ये क्या होने चाहिए, तो ये थे हमारे एक पोएट मतलब कवि थे, ऑल ऑफ दीज में हिस्ट्रियन थे, म्यूजिशियन थे, काफी सारे थे, इनके अंदर कलाएं थी, आठ सुल्तानों के शासन काल में रहे थे। आगे तक चलते हैं, टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास वॉज द मिडल आफ्टर द कंट्रीज एग्जाम्पल्ड बाई द मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कॉपर की करेंसी चलाई थी जिसके ऊपर कोई भी कुछ उसने अंकित नहीं करवाया था, उसने कहां से, कौन से देश से सीखा, जापान, ग्रीस, चाइना या रसिया, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। जनता बोले सर ग्रीस होना चाहिए। यहाँ पर सही जवाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए चाइना। चाइना ये सारे उल्टे सीधे काम करता है, चाइना से सीखी थी, चाइना ने बाद में टोकन करेंसी नहीं, यहाँ के कबुलाई खान एक यहाँ का रूलर हुआ है, उसने कैसे सिक्के चला, इसने जो है वो करेंसी चलाई कागज की, कागज की करेंसी चला दी कबुलाई खान ने, कागज की सबसे पहले करेंसी कबुलाई खान चाइना के रूलर ने ही चलाई थी। आगे इधर चलते हैं, आपको बताना है फाउंडेड द दिल्ली, दिल्ली की खोज किसने की थी, खिलजी ने की थी, तोमर ने की थी, लोधी ने की थी, तुगलक ने की थी। भैया जो लोग शुरू से कर रहे होंगे वीडियो उनको पता होगा यहाँ पर तोमर इज द राइट आंसर, तोमर इज द राइट आंसर, तोमर यहाँ पे होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है विच टर्किश रूलर इन्वेड द 14 टाइम्स इंडिया 1000 से लेकर के 1026 तक 14 बार अटैक किया था, गजनवी ने, चंगेज खान ने या हमारे मोहम्मद गालिब ने, मोहम्मद गालिब को भी अटैकर बना दिया। वाह भैया यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए टर्किश जो हमारे आ रहा था गजनी से, उसका नाम था मोहम्मद गजनवी, पहला सुल्तान, एक नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको बताना है शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई का नाम क्या था, व्हाट वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ शाह सुजा मुराद बख्श, औरंगजेब, आजम शाह, दैट वाज द मोहम्मद बख्श या हमारे दारा शिकोह, और ये इन्होंने ही जो है बहुत पढ़े लिखे थे है ना ये भाई साहब, और इन्होंने कई सारी ट्रांसलेशन भी किए हुए हैं उपनिषदों का, वेदों का, तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए क्या, तो जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए दारा सिको, दारा सिको, दारा सिको इज राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आपको बताना है विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो है उसका कहां से डाउनफॉल शुरू होता है, कहां से वो नीचे गिरता है, दैट वाज द बैटल ऑफ ताकोलान, दैट वाज तालीकोटा, दैट वाज द तनख्वा, नहीं खानवा या हमारा पानीपत, विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं, हरिहर और बुक्का ने बसाया था, लेकिन ये नीचे कैसे आया, जब हमारे बोल सकते हैं कि युद्ध हुआ किसके बीच में, हमारे विजयनगर साम्राज्य के बीच में, यहाँ पर जनता बोले सर तालीकोटा, कल आपने बताया था तालीकोटा का युद्ध 1500 कब हुआ था, 1565 में, याद रखना है, और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य नीचे आना शुरू हो गया। चलिए आगे कब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, 263 से स्टार्ट करते हैं भाई, पूरा अगर तुम नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको बताना है महाराजा सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह जो है ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी ऑफ, तो सवाई जो हमारे जयसिंह जयसिंह है उन्होंने जंतर मंतर कहाँ पर नहीं बनवाया, बनारस, इलाहाबाद, उज्जैन या मथुरा। आप लोगों देखो जंतर मंतर, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इजी करके दे रहा हूँ,
कहां पर उन्होंने जंतर मंतर नहीं बनवाया हुआ है। तो जनता बोल रही है सर यहां पर अगर सही जवाब होना चाहिए तो उन्होंने 5 जंतर मंतर बनवाए हुए हैं, दिल्ली मथुरा बनारस उज्जैन जयपुर। कहां पर एक बार फिर से देखेंगे, दिल्ली मथुरा बनारस उज्जैन जयपुर, 5 जगह पर बनवाया है। जहां पर नहीं बनवाया है वो है अलाहाबाद। तो अलाहाबाद जितने लोग बोले 2 नंबर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, दीवाने को ही जो कि एक हमारा सिंचाई विभाग था वो किसने बनवाया, तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या खिलजी ने। तो दीवाने को ही, तो तुगलक डेंसिटी की खास बात थी, वो क्या काम कर रहे थे, वो सिंचाई के लिए एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे थे। दीवाने को ही डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, एक अच्छा काम जो कि उन्होंने किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ऑफ जहांगीर रीजेंस कंफर्ड द टाइटल ऑफ नदीरुल आसरा। तो आप लोगों ने देखा कि पेंटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर डेवलप हुई, लेकिन कौन से सबसे अच्छे पेंटर थे जिनको एक उपाधि उन्होंने दे डाली थी। क्या होना चाहिए सही जवाब 265 का। तो यहाँ पर हमारे नसीरुद्दीन असरा कौन थे, तो यहाँ पर गाइस होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, उस्ताद मंसूर को ये टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, 2016 में पूछा गया है, उस्ताद मंसूर। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। आपको बताना है विच मॉन्यूमेंट इन द पिंक कलर, इनमें से कौन सा पिंक कलर का है, ताजमहल, हवा महल, मोती महल, मुमताज महल, पिंक कलर का है। आप लोगों ने देखा होगा भैया ये महल, और ये पिंक सिटी में है, पिंक कलर का है। तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए बप्पा मौर्या स्पूतनिक, तो सही जवाब होना चाहिए, दैट वॉज द राइट आंसर इज हवा महल, जो जयपुर में है। ये आपको पिंक कलर का दिखाई देगा, बाकी के सारे व्हाइट मार्बल्स के बने हुए हैं। हवा महल इज राइट आंसर। आपको बताना है हु अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोरिल्ला वेलफेयर इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। किसने जो है गोरिल्ला वेलफेयर जो नीति हमारे देश में ले आया, शिवाजी थे, शेरशाह सूरी थे, चंगेज खान थे, महाराणा प्रताप थे। सीपीओ में पूछा हुआ 2016 का क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए सही जवाब। भैया जल्दी से भाई, बीच में जो लोग चले जाते बड़ा गुस्सा आता है, कितना इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। मेरे को अगर कोई ऐसा पढ़ाता ना, तुम रेगुलर पढ़ते और पूरे क्वेश्चन लगा के जाते। यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए क्या, तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए सर शिवाजी, जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, शिवाजी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स, वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, हमारे पहले मुस्लिम रूलर कौन थे दिल्ली के, अकबर थे, शाहजहां थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। तो गाइज अरे मिल रहा है अमित, सबका कमेंट मिल रहा है, चलो तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सही जवाब क्या होना चाहिए, यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए पहले मुस्लिम लीडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, 1206 में राजगद्दी पर बैठे थे। ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने कहाँ से कहाँ तक बनवाई थी, आगरा से पंजाब, पंजाब से बंगाल, लाहौर से बंगाल या मुल्तान से आगरा। सही जवाब क्या होना चाहिए, तो हमारी बांग्लादेश से लेकर के कहाँ तक पाकिस्तान तक को कनेक्ट करती है, दैट वॉज द हमारी लाहौर से लेकर के बंगाल तक, ठीक है, पेशावर तक वैसे तो ये जाती थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है, कौन सा पेज था ये, 43, 44, 45, 2 पेज बाकी है भैया, बने रहिएगा, टिके रहिएगा, 2 पेज बाकी है, बहुत सारे प्रश्न है, अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग फॉरेन कंट्री वॉज द फर्स्ट वन टू ट्रेड इन इंडिया, सबसे पहले भारत में आने वाला फॉरेन कंट्री कौन था जो कि मसाले की खेती के लिए आया था कालीकट पे, केरल में आया था, तो उसका नाम था पुर्तगाल, 1498 वास्को डिगामा, किसके मामा, वास्को डिगामा। चलिए बने रहिए सब, बिल्कुल विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज द ड्रीम इन स्टोन्स, इनमें से किसको हम लोग बोलते हैं ड्रीम ऑफ स्टोन्स, दैट वाज द चार मीनार, अजंता के, सांची स्तूप या पंचमहल, बताइए सपनों का पत्थर, सही जवाब क्या होना चाहिए। तो जनता बोल रही है सर इस क्वेश्चन का सही जवाब 271 नंबर वाले का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 पंचमहल, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही जवाब है, तो पंचमहल द ड्रीम ऑफ स्टोन्स जो फतेहपुर सीकरी में है, राइट आंसर। आपको बताना है 272 का, द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के समय में कौन हमारे देश में आया था, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इबन बतूता या मुंशी मनुकी, सॉरी मनुकी। तो आपको पिक करना है गाइस, शाहजहां के समय पूछा गया, थॉमस रो 1615 में आए थे, विलियम हॉकिंस 1608 में आए थे, इबन बतूता एमबीटी के शासनकाल में आया, तो शाहजहां के समय में कौन आया था। तो यहाँ पर जनता बोले सर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इटालियन ट्रेवलर जिनका नाम था इकेलो दो मुनकी, दैट वाज द राइट आंसर, एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, इटली से आए थे मुनकी, निकोलो दो मुनकी, इटालियन ट्रेवलर शाहजहां के शासनकाल में। अबुल फजल वॉज द सन ऑफ हुम,
अबुल फजल जो है वो किसके सन थे? शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा नजरुद्दीन सिराग या बाबर बख्तियार काकी? जनता क्या होना चाहिए? तो बोले सर अबुल फजल की अगर हम बात करें तो ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे अकबर के दरबार में, और ये जिसके पुत्र थे उनका नाम था शेख मुबारक शाह। दैट वाज ऑप्शन नंबर एक इज एब्सोल्युटली राइट। एक नंबर जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मुबारक हो आप, यहाँ अबुल फजल हुआ। मुबारक जी मुबारक हो, कितना अच्छा बात बोला होगा। विच डेंसिटी वॉज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ तालीकोटा? तालीकोटा के समय हमारे कौन सी डेंसिटी जो है विजयनगर साम्राज्य में थी? संगम थी, अरविडू थी, तुल्लव थी या सालुआ थी? भैया ये सभी विजयनगर साम्राज्य की डेंसिटीज हैं। यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? तालीकोटा का युद्ध के समय कौन था? भाई सदा शिवा राय जो है, जो कि हमारे कौन थे, जो कि हमारे बोल सकते हैं तुल्लव डेंसिटी के राजा थे। तुल्लव इज राइट आंसर। जितने लोग तीन नंबर बोल रहे हैं तुल्लव वो बिल्कुल सही है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य समाप्त होने की कगार पे आ गया। इनमें से कौन सी किसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबा, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, मोहम्मद शाह? गाइस पोलो खेलते समय यही घोड़े से गिरे थे और लाहौर में इनका मकबरा बना दिया गया। आपको बताना है छठवें गुरु जिन्होंने अमृतसर में जो है वो अमृतसर की स्थापना की, हु वॉज द सिख गुरु हैड लेट द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर? छठवें नहीं सिख गुरु लिखा मैंने, सिक्स नंबर गुरु पढ़ दिया था। सिक्स गुरु जिन्होंने अमृतसर की शुरुआत की थी, अमरदास, रामदास, अर्जन देव या गुरु हरदेव, गुरु हर गोविंद? यहाँ पर जनता बोली है सर अमृतसर की शुरुआत जिसने की थी उनका नाम क्या था? चलिए बहुत बढ़िया, तो इनका नाम था गुरु रामदास, जिनको जो है अमृतसर बनाने के लिए, यहाँ पर गोल्डन टेम्पल की शुरुआत करने के लिए अकबर ने इनको अपनी जगह दी थी, अकबर ने इनकी जगह दी, और ये थे हमारे गुरु रामदास। तो गुरु रामदास के ऊपर जितने लोग टिक करेंगे वो अंक जरूर पाएंगे, गुरु रामदास इज राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे की तरफ चलते हैं, गुरु समर्थ रामदास इज राइट आंसर। आगे की तरफ हम गए तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 277 नंबर पे, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर कॉल्ड द दीने अलाई एज द मोनूमेंट ऑफ हिज होली नॉट ऑफ हिज विजडम? बदायूनी, विंसेंट स्मिथ, बरानी या डब्ल्यू ए हेग? सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए सीजीएल में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अकबर की जो दीने अलाही है वो किस चीज को, मतलब जो दीने अलाही है वो उसके हिज फॉली नॉट हिज विजडम, के फॉली को बताती है ना कि उसके बुद्धिमानी को बताती है। तो यहाँ पर ये जो बोला था बात हमारे 277 का, तो यहाँ पर बोल रहे हैं सर विंसेंट होना चाहिए। यहाँ पे 277 का जो सही जवाब है दैट वॉज द ऑप्शन नंबर टू, विंसेंट द ऑर्थर स्मिथ इज राइट आंसर। वी ए स्मिथ हम लोग इनको बोलते हैं, विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्होंने नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है। किसको? समुद्रगुप्त को। इन्होंने ही समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है, बहुत बढ़िया। सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज, सिटी ऑफ विजयनगर को हम लोग क्या बोलते थे? तो आई होप तुम लोगों को ऑप्शन में ही देख करके पता चल गया होगा कि इसका सही जवाब होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की हमारी जो राजधानी थी उसको हम लोग बोलते हैं हम्पी, क्योंकि हमारे कहाँ पर, हमारे कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट अभी आपका हम्पी में आता है। आगे की तरफ चलते हैं, विच सुल्तान डेंसिटी इशू द कॉपर इंस्टीड ऑफ सिल्वर कॉइन? सिल्वर कॉइन को खत्म करके टोकन करेंसी कॉपर की किसने चला दी थी? ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन फिरोज शाह या महमूद तुगलक? तो यार हमारे सामने एक ही नाम आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। जितने लोग बोलेंगे बिल्कुल सही है। अकबर इस टॉम इज लोकेटेड इन, अकबर की टॉम कहाँ पर है, मकबरा कहाँ पे अकबर का? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या अल्लाहाबाद? यहाँ पर जनता बोले सर अकबर का जो मकबरा है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये हमको देखने को मिलेगा सिकंदरा में, जो कि फतेहपुर सीकरी के पास यूपी में है। फतेहपुर सीकरी यूपी में है, ठीक है, सिकंदरा इज राइट आंसर। आगे तक चलते हैं, आपको बताना है विच डेंसिटी वॉज स्टार्टेड बाय द खिजर खान? खिजर खान ने क्या चलाया था, सिंगल डेंसिटी, लोधी, राजपूत या खिलजी? खिजर खान जो मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने जो डेंसिटी चलाई 281 में वो सिंगल डेंसिटी थी। सिंगल डेंसिटी जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब की तरफ जा रहे हैं, सिंगल डेंसिटी इज राइट आंसर। आपको बताना है अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द सती कस्टम्स इज मेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस? सती का सबसे पहला जो आप बोल सकते हैं कस्टम है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? अलाहाबाद पिलर, ईरान इंस्क्रिप्शंस, एयोल इंस्क्रिप्शंस या आपका भीतान इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त? तो भैया सती प्रथा का सबसे पहला एविडेंस जो है वो हमको स्कंदगुप्त के समय में मिला था, और ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए कौन सा? चलिए तो यहाँ पर गुप्ता डेंसिटी के समय में हमको देखने को मिला था, तो गाइस यहाँ पे हमारा सही जवाब होना चाहिए था भानुगुप्त के ईरान इंक्रिप्शन में, यहाँ पर सही जवाब बता रहा है। तो भैया यहाँ पर दो नंबर की तरफ आएंगे, ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ
भानुगुप्त, तो सबसे पहले स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिया देखने को मिला था और उसको भानुगुप्त के इंक्रिप्शन में दर्शाया गया। तो दो नंबर के ऊपर टिक करेंगे तो अंक मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त के शासनकाल में इसका एविडेंस सबसे पहले आया और भानुगुप्त जो कि गुप्ता वंश के रूलर थे उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सीख गए होंगे आप लोग। व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665? पुरंदर की ट्रीटी 1665 में हुई थी, उसका मेन लक्ष्य क्या था? टू गेन द गुडविल ऑफ शिवाजी, टू सो द सीड ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर, डिवाइस ऑफ शिवाजी या मेक शिवाजी पपेट ऑफ मुगल, क्या मुख्य उद्देश्य था? यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, हमारे जो शिवाजी जो हैं उनके बीच में और बीजापुर के सुल्तान के बीच में हमारी क्या करना, कॉन्टेंशन को बढ़ाना था पुरंदर की संधि में, ये मेन काम था जो कि हमारी हुई थी, ठीक है। तो दो नंबर इज द राइट आंसर। तो ये शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में ये ट्रिटी की गई थी और मुगल अंपायर उस समय कौन था? औरंगजेब था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। चलिए दो नंबर के ऊपर टिक कर देते हैं, 283 का दो नंबर। चलिए आगे कब चलते हैं। हाँ, जय सिंह जो है वो हमारे औरंगजेब की तरफ से लड़ते थे। आगे कब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला, आपको बताना है कि प्रश्न है द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस्ड आर्मीज ऑफ, पानीपत के बैटल में बाबर ने किसको फेस किया था? जयचंद्र को, हेमू को, दौलत खान लोधी को या इब्राहिम लोधी को? भाई 1526 की ये लड़ाई सभी को याद होगी, इसमें हमारी जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी इब्राहिम लोधी को मार करके। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे तक चलते हैं। इन वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टेब्लिश, फ्रेंच जो है वो सबसे अंत में आए थे 1664 में, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? सूरत में, पौंडीचेरी में, एट वॉज द चंदन नगौर में या मुसलीपट्टनम में? जल्दी से जनता बताएगी, पहली फैक्ट्री बता रहे हैं गाइज। यहाँ पे जब भी हमारे फ्रांसीसियों की बात आएगी और फ्रांसीसी जो है वो हमारे 1664 में हमारे हिंदुस्तान में कदम रखते हैं और अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं कहाँ पर गाइज? जहाँ पर ही लगाते हैं जहाँ पर उन्होंने जहां पर अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो भैया यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए सूरत, सूरत में ही पहली फैक्ट्री लगाते हैं, दूसरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में। तो भैया सूरत इज द राइट आंसर, जितने लोग सूरत बोल रहे हैं वही सही हैं, बाकी के लोग गलत हैं। तो सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी, अंग्रेजों ने भी यही लगाई थी। द सिल्वर क्वाइन टंका वॉज इंट्रोड्यूस बाय द, सिल्वर क्वाइन टंका जो है वो किसने? हाँ, शिवालिक में डच ने सबसे पहले मुसलीपट्टनम में और दूसरी फ्रेंच की वहां पे थी मुसलीपट्टनम में। सिल्वर क्वाइन जो है वो टंका वॉज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश, दैट वॉज द कुतुबुद्दीन ऐबक, बैरम खान या बलबन। तो जीतल और एक थी टंका, ये दोनों को इन्होंने शुरू किया था। ये पीतल की बनी होती थी, जीतल कॉपर की करेंसी थी और टंका जो है ये सिल्वर क्वाइन थे। तो गाइज यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए टंका इज इशू बाय द इल्तुतमिश, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है ना राहुल। ये बुक है आपकी किरण पब्लिकेशन की, आपके पास होगी है ना, कॉपी राइट है तो इसकी हम आपको प्रति नहीं दे सकते हैं। आप यहीं पर सीखिए, आप रिवाइज करते जाइए, वीडियो का लिंक जो है वो पूरा हम बुक करवाने के बाद आपको दे देंगे। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपियर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन्स, यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे कौन से ऐसे थे जो सबसे पहले मुगल कोर्ट में आए थे। तो जनता बोल रही है सर होना चाहिए कनिन, नहीं होगा विलियम हॉकिंस होना चाहिए। तो सर विलियम हॉकिंस इज राइट आंसर, दो नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे कब चलते हैं। द फेमस पोएट अमीर खुसरो वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन बल्लर, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी, इसके शासनकाल में नहीं थे, इन सभी के में थे, इनके में नहीं थे गाइस। इनकी शुरुआत होती है अमीर खुसरो साहब जी की बलबन के शासनकाल में, बलबन से लेकर के तुगलक तक में ये रहे थे, तो इल्तुतमिश इनके पहले थे। तो यहाँ पर तीन नंबर आपको हटा देना है, बाकी का सही है। तो तीन नंबर इज द राइट आंसर, बाकी के सारे के में थे। आगे तक चलते हैं। गोल गुम्बज इज अ मेसोलियम ऑफ, गोल गुम्बज किसका मुसोलियम है, मतलब किसका बोल सकते हैं याद में बनाया गया है? हैदर अली, औरंगजेब, चांद बीबी या मोहम्मद आदिल शाह? गलत किसी ने किया तो याद रखना, बहुत बार कराया हुआ है। बीजापुर का गोल गुम्बज जिसको हमारे यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया है, और ये किसकी याद में बनवाया है? मोहम्मद आदिल शाह, बिल्कुल सही जवाब है, चार नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे तरफ चलते हैं। तेजस फाइटर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू, अरबिक, पर्शियन या हिंदी? दिल्ली सल्तनत की हो या हमारे बोल सकते हैं मुगलों की हो, इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? भैया ना उर्दू करेंगे, ना अरबिक करेंगे, ना हिंदी, पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर टिक करो, इनाम पाओ ऑफर है।
कौन है चांद बीबी भाई? आगे तक चलते हैं, आपको बताना है चचनामा रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्केस्ट। चचनामा जो है वो किसके समय में लिखी गई थी या किसकी हिस्ट्री के बारे में बताती है? दैट मतलब आपकी कुषाणों की है, हून की है, अरब की है या ग्रीक्स की है? तो गाइज यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ये था हमारा 291 पेज नंबर, भी हमारा खत्म हो चुका है 44 नंबर। तो चचनामा जो कि हमारे फतेहनामा सिंध के ऊपर है, और ये किताब 3 नंबर मतलब अरबों की हिस्ट्री के बारे में बताती है, अरब की हिस्ट्री। दैट वाज द राइट आंसर, अरबिक में लिखी गई है। चलिए आगे तक चलते हैं और हमारे पास आता है नेक्स्ट फतेह नाम के नाम से ये बुक फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि आज का अंतिम पेज है। तो अंतिम पेज आज की क्लास का आपके सामने है, द फर्स्ट यूरोपियन टू केम इन इंडिया वेयर। हमारे देश में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रेंच थे या पोर्टुगीज थे? पहले यूरोपीय कौन थे जो हमारे इंडिया में कदम रखे? गाइस याद रखिएगा, सैटरडे को आपको किरण पब्लिकेशन की किताब का टेस्ट होगा, मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, और यहाँ पर विजेताओं के नाम प्रकाशित किए जाएंगे। जो रेगुलर आते हैं, जो रेगुलर अच्छे से जवाब देते हैं, उनके नाम प्रकाशित किए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आने वाले थे पोर्टुगीज, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आपको बताना है हु वाज द फर्स्ट टू मेक यूज आर्टिलरीज इन द वॉरफेयर ऑफ मिडिवल इंडिया। हमारे कौन ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया में, मिडिवल इंडिया में अपनी आर्टिलरीज मतलब हथियारों का प्रयोग किया, बोल सकते हैं छोटी तोपों का प्रयोग किया था? बाबर थे, लोदी थे, शेरशाह सूरी थे, अकबर थे? तो यहाँ पर जनता बोले इसी के दम पर इन्होंने कई सारी लड़ाइयां जीती। 293 का सही जवाब है बाबर, बाबर इज द राइट आंसर। जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंडियन वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, पहली भारत भारतीय पहली कौन सी महिला जिन्होंने भारत में रूल किया था? वो रजिया सुल्ताना इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्वेश्चन है, इन्होंने अपनी कैपिटल कहां से? तो दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली या देवगिरी, यादवों की कैपिटल। दैट वाज द राइट आंसर, 2 नंबर है। आगे तक चलते हैं, Who was appointed by the Akbar as the court musician? कौन थे भारत के संगीतज्ञ अकबर के दरबार में? तो थे रामा तनु पांडे, मतलब राजा तानसेन। ठीक है, तानसेन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। आपको बताना है बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, सेकंड तो थे हमारे मुगल शासक अंतिम, लेकिन बहादुर शाह का जन्म कब हुआ भैया? CGL में, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, 43 में, 1643 में, 1743 में या 1843 में? 297 का जो सही जवाब है, दैट वाज द राइट आंसर इज बहादुर शाह का जन्म 14 अक्टूबर 1643 में हुआ था। दैट वाज द राइट आंसर, छठे मुगल बादशाह बने थे ये। ठीक है, चलिए आगे तक चलते हैं। हाँ, औरंगजेब की जो दूसरी बीबी थी जिनका नाम नवाब बाई था, उनसे इनका जन्म हुआ। औरंगजेब के बेटे थे ये और छठे मुगल बादशाह बने। आपको बताना है अलबरूनी अकाउंट फॉर इंडिया, अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी हुई है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, 2020 में भी एक एग्जाम में पूछा गया था। चचनामा, दैट वाज अ फतुहत सल्तानी, तरीके यमनी या किताबुल हिंद? तो अलबरूनी गजनी के साथ भारत में आया था और इन्होंने जिस किताब को लिखा हुआ उसका नाम है किताबुल हिंद, ऑप्शन नंबर 4 फिर से सही हो गया। आगे तक चलते हैं, 45 का जो है वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अरे भैया, टाइप 3 मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हमारा प्रवेश हो चुका है। तो हम लोगों ने लगभग 300 क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री के कर डाले हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप सभी लोगों को। जो लोग यहाँ पर रेगुलर पढ़ते हैं उन सभी को हेड्स ऑफ, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछने वाला है क्या मॉडर्न हिस्ट्री का, व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया तो उनकी जगह पर नमक सत्याग्रह में किसने पार्टिसिपेट किया? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो यहाँ पर जनता बोल रही है, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, लेकिन इस टाइप का जो हमारे टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है इसका सही जवाब है अब्बास तैयब जी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और बाद में ये बड़ोदरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अब्बास तैयब जी इज राइट आंसर, बड़ोदरा के थे। यहाँ पर आपको बताना है इन विच सेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज इज डिमांडेड। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पूर्ण स्वराज की मांग कलकत्ता के सेशन में की गई थी, नागपुर के सेशन में, मद्रास या लाहौर? क्या होना चाहिए? अंतिम पेज चल रहा है भाई, जुड़े रहिए, प्रश्न पूछे जाएंगे खतरनाक वाले। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो परिकल्पना है वो आपको
किस सेशन में आई थी, तो हमें याद है दिसंबर का वो सेशन, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और 1529 में नेहरू जी ने इसकी डिमांड कर डाली। आपको बताना है हु वाज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या जेपी कृपलानी थे। भाई बारडोली सत्याग्रह हम लोग देखेंगे 1928 में बारडोली जो कि सूरत के पास एक जगह पड़ती है वहां पर किया गया था, जिसको चलाया था हमारे किसने, तो सरदार पटेल ने, जिनको आयरन मैन हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, ये किसने बोला था? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुल्ले, दयानंद सरस्वती। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन बैक टू वेदास, आर्यों की बात जिन्होंने की थी वो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूल शंकर था। आपको बताना है नाउखलाई इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा या बिहार। जनता क्या बोलना चाहती है यहाँ पर? बिल्कुल सही है। तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही जवाब है, नाउखलाई इज द साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश का भी हिस्सा है, तो मतलब ये आपके बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से हमारे जो है चिटगांव डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हमारे बहुत अंग्रेजों ने यहाँ पर अत्याचार किया था, इसलिए बड़ा फेमस है। महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट अनरेस्ट ड्यूरिंग द सत्याग्रह इन द, पहली बार गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? साउथ अफ्रीका में या इंडिया में, कहीं पर भी आपको बताना है। 6 में, 8 में, 13 में या 17 में गांधी जी सत्याग्रह किए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, चलो बेटा जेल में। तो गाइज यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था 1908 में साउथ अफ्रीका में, जहां पर वो 1893 में गए हुए थे भारतीय रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे 1908 में, और हिंदुस्तान में पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया था 1922 में। चलिए आगे कब चलते हैं, आगे आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है हु वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडिया ऑफ 15 अगस्त, हमारे जो है वो किस आधार पर 15 अगस्त में पावर का ट्रांसफर किया गया था। ऑन दिस डे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द पूर्ण स्वराज, ऑन दिस डे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट या एनिवर्सरी ऑफ सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर द एडमिरल माउंटेन, जापानीज आर्मी ने माउंटबेटन के सामने समर्पण किया, किस याद में बनाया जाता है? जनता बोलती है सर यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो हमने, हमारे लिए बहुत नया क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने जो है जापानीज आर्मी ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण किया और इसी दिन को याद रखते हुए उन्होंने कहा भारत को छोड़ दो, भैया 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है। 4 नंबर इज राइट आंसर। क्विट इंडिया भैया आपका 15 अगस्त को नहीं हुआ था। आगे तब चलते, आगे आपको बताना है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ये किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, वेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने या कॉर्नवालिस ने, बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए। चलिए राहुल, तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो है वो बंगाल में जिसने शुरू किया था उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जितने लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। तो गाइस कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, अगर हम ऐसे बुक को देने लग गए, मान लीजिए इसका वो पीडीएफ, तो मुझे लगता है कि किरण पब्लिकेशन वाले फिर हमारे ऊपर कहेंगे कि हमारे बुक नहीं बिक रही, आप तो पीडीएफ दे दे रहे हैं ना, तो कॉपीराइट कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, राहुल आप समझ सकते हैं। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, तो जितनी हमारे तरफ से बनाया जाता है उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या आपके बाल गंगाधर तिलक, क्या होना चाहिए? गाइस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो हमारे गरम दल के लोग थे, लाल बाल पाल, बाल यहाँ पर दिया गया है, बाकी के हमारे विपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, तो ये 3 लोग थे, तो बाल गंगाधर तिलक के साथ। 10वें का क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू द ब्रिज इकोनॉमी इनइक्वलिटीज, हमारे यहाँ पर किसके आधार पर जो है वो गांधी जी ने हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के लिए ब्रिज बनाने की कोशिश की? एवोल्यूशन ऑफ मशीनरीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज इन इंडस्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, ट्रस्टिप्स थ्योरीज या हमारी नन ऑफ दीज। तो गांधी जी का हमेशा एक मानना है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को हिंदुस्तान में ग्रो करना है तो उनको हमारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर ट्रस्टीशिप थ्योरीज को लेकर के आना पड़ेगा,
और उसको हिंदुस्तान में आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये वो लियो टॉलस्टॉय की इस थ्योरी से बहुत ज्यादा ओतप्रोत थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली राइट, जो उन्होंने लियो टॉलस्टॉय से सीखा हुआ था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरीज के ऊपर जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन, तो देखिए क्वेश्चन ही आ गया फॉर द सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम द, गांधी जी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस के लिए किससे सबसे ज्यादा प्रेरित है? यहाँ पर लेकिन सिविल डिसोबीडियंस दिया गया है, दैट वॉज द टोरियो रस्किन या हमारा कॉफिसियस या लियो टॉलस्टॉय। तो यहाँ पर अभी आपको टिक क्या कर देना है, तो ऑब्वियस सी बात है जनता को टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आपको बताना है फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारत में सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत या सी आर दास। तो जनता जब भी बोलेगी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय, हमको टिक करना है सुरेंद्रनाथ, है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरफ, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड केम इन इंडिया, हमारे देश में जो कम्युनल इलेक्ट्रोल सिस्टम है वो कहां से आया? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म या हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या आपके सामने दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गाइज यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, कम्युनल इलेक्ट्रोल जब भी हमारे सामने आएगा निरपेक्ष बनाया गया था, है ना, एक अलग सिस्टम मोंटे बर्लो रिफॉर्म, मतलब 2 नंबर स्पूतनिक, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कई बार। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमें भारतीयों को किसने रिप्रेजेंट किया था? अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कल्पना जोशी। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है यहाँ पे, सही जवाब होना चाहिए हमारे पेज नंबर 45 का, दैट वॉज द सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज ये तो थी आज की क्लास, कल हम लोग पढ़ेंगे 46 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, मोर देन 100, 100 से ज्यादा क्वेश्चन को आज हम लोगों ने अटेम्प्ट किए। गाइज इसी तरीके से पढ़ते रहना है, मुझे लगता है कि तुम लोग कभी अकेले बैठ करके इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, भैया मजा आया होगा आई होप सो। तो जितने लोगों को मजा आया वीडियो को लाइक ठोकते जरूर जाएंगे, है ना, लाइक ठोकिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सहेलियों के साथ शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अपनी कल सुबह 10:30 स्टैटिक जीए की क्लास में, और शाम को 5 कहां पर, शाम को 5 यहां पर मिलेंगे, और इन सभी दोनों क्लासों का टेस्ट होगा आपका सैटरडे को। तो डोंट मिस एनी क्लास, बिकॉज एवरी क्लास विल गिव यू स्पेशल नॉलेज ऑफ स्पेशल क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। और जो भी हमारे साथ नए लोग हैं और हमारे अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे जो नए बैचेस हैं RRB ग्रुप डी लाइव कोचिंग क्रैश कोर्स है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं नॉमिनल से कीमत है, इसके अलावा जो नया बैच जो है DSSB दिल्ली हमारे सबऑर्डिनेट के लिए बैच है, नया लॉन्च हुआ है, नया इसका वो भी है, और इसके अलावा हमारा कौन सा है, तो हमारा जो है वो DFCIIL, बहुत अच्छी पोस्ट है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, टेक और नॉन टेक दोनों बैचेस हैं, और इन दोनों के लिए आप कोड का इस्तेमाल करोगे जो आपको 20% की छूट दिलाएगा। तो सिलेक्शन वाला कोड आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मेरा नाम है PANKAJ, जरूर इस्तेमाल करिए, अपने दोस्तों से बोलिए, अपने रिश्तेदारों से बोलिए कि 20% की छूट मिल जाएगी, कोड है मेरा नाम पंकज चौबे, PANKAJ और C, आप बिना स्पेस के डालिएगा, चौबे C। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब बात है।